आप जानते हैं मेथड ऑफ बाइसिंग चार प्रकार के होते हैं, तो आज हम बेस रजिस्टर बाइसिंग और फिक्स्ड बाइसिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमने एक VCC वोल्टेज लगा दिया, यहाँ से इस वोल्टेज एक ये रजिस्टर कलेक्टर रजिस्टेंस और बेस रजिस्टेंस से होकर गुजरती है। कलेक्टर रजिस्टेंस से कलेक्टर करेंट और बेस रजिस्टेंस से बेस करेंट पास करके यह NPN ट्रांजिस्टर में जाती है, फिर NPN ट्रांजिस्टर से जो करेंट बचती है वो सीधे अर्थ में जाती है। ठीक है, इसमें हम IB और VCE का मान निकालेंगे। ठीक है, हम जानते हैं, आप ये जानते होंगे कि अगर करेंट वोल्टेज करेंट इस दिशा में भर रहा है और करेंट इसी दिशा में भर रहा है, तो इस दोनों का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर करेंट इस दिशा में भर रहा है, वोल्टेज करेंट इस दिशा में भर रहा है, तो ये निगेटिव होगा बाई थंब रूल। ठीक है, तो हम याद देंगे VCC है, तो VCC। ठीक है, VCC। अब हम लेंगे ये हमारे एरिया इनपुट, ये एरिया आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट लेंगे तो VCC बराबर IB, ये देखिए इसी दिशा में भर रहा है तो यहाँ माइनस होगा IB RB। और अब वापस ये देखिए, ये क्या है VBC, तो ये भी माइनस होगा बाई VBC। तो अब हम इसमें IB RB का मान निकालेंगे, तो IRB बराबर VCC माइनस VBC के IB। अब वापस अगेन, अब हम इनपुट में कहेंगे तो VCC, देखिए तो VCC, अब ये क्या आ रहा है इसी दिशा में आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा IC RC, फिर माइनस ये क्या है इनपुट भी, ये क्या है इनपुट है, तो ये होगा VBE बराबर जीरो। VBE इसमें निकालेंगे RC का मान, तो RC बराबर VCC माइनस VBE बटे IC। ठीक है, अब हम देखिए ये आउटपुट इनपुट, ये देखिए भी हम जानते हैं VCE बराबर VBE और VBC होता है प्रूफ। तो अगर आप मान लीजिए कभी आपको RB का मान पता है RC का नहीं, तो हम जानते हैं RB बराबर होता है बीटा बटे RC। ठीक है, RB बटे आर क्या होता है। ठीक है, तो इससे हम RC और RB का मान निकाल सकते हैं।